नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लंग्स में पानी भरने से बच सकते हो। किडनी फेलियर पेशेंट में पैरों में पानी भरना एक आम दिक्कत होती है कि पैरों में पानी भर गया, क्योंकि किडनी पानी को ढंग से बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाई पेशाब के रास्ते। अब आपके बॉडी में इकट्ठा होने लग गया है वो है पानी। बट जब भी कोई ऐसा पेशेंट जिसकी लेग्स में पानी भरा हुआ है वो लेटता है तो हम एक दिक्कत देखते हैं कि पानी पैरों से तो निकल जाता है, पैरों की सूजन तो उतर जाती है, बट वो पानी उसके लंग्स में भरना शुरू होता है। तो अक्सर रात को पेशेंट को उठ के बैठना पड़ जाता है, पेशेंट को घुटन महसूस हो रही होती है, पेशेंट को ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पानी में डूब रहा है। जब पेशेंट उठ के बैठता है तो उसकी दिक्कत सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो ये दिक्कत हो क्या रही है और इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से इसमें आराम लेकर आ सकते हैं, उसको हम जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसको समझने से। तो ये मान लो कि ये जो पानी की बोतल है ये आपको और आपके पैरों में पानी भरा हुआ है, तो ये आपके, हम यहाँ पे पैर बना देते हैं, ये आपके पैर बन गए, ठीक है। जब तक आप खड़े हो, स्टैंडिंग पोजीशन में हो, टांगे नीचे की तरफ हैं, हमारे लंग्स ऊपर की तरफ हैं, तो पानी पैरों में रहेगा। पर जैसे ही आप लेटना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि पानी पैरों से तो निकल गया बट लंग्स में भरना शुरू हो गया और इसी वजह से आपको घुटन होती है। तो अगर हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। पानी को कम पियो, नमक की मात्रा कम करो और जितनी भी डायूरेटिक मेडिसिन डॉक्टर आपको देते हैं उसको आप सेवन करो, जिससे बॉडी में से जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। मगर जब तक पानी नहीं निकलता तब तक हम किस तरह से सोएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट रात को ढंग से सो नहीं पाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपके स्क्रीन पर अब एक हमने दिखाया है ट्रायंगल पिल्लो। ये पिल्लो ट्रायंगल शेप का होता है, इसको अपने आपने बेड पे रखना होता है और उसके ऊपर आपने लेटना होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो कि चेस्ट का पार्ट, लंग्स वाला पार्ट आपकी लेग्स से ऊपर रहता है, जिसकी वजह से टांगों में जो पानी भरा हुआ है वो आपके लंग्स में नहीं भर पाता, जिसकी वजह से आपको एक साउंड स्लीप आ जाती है। मगर ये टेम्परेरी रास्ता है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट रास्ते के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रिपोर्टों को देखना पड़ेगा, उसके अंदर टोटल प्रोटीन की मात्रा ढूंढनी पड़ेगी, टोटल प्रोटीन कितना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन कम है, एल्ब्यूमिन कम है, यानी प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में पानी भर रहा है, क्योंकि हर किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में पानी नहीं भरता, कुछ ही पेशेंट की बॉडी में पानी भरता है और उनमें 90% पेशेंट हमें वो मिलते हैं जिनकी बॉडी में टोटल प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो प्रोटीन को हमने बढ़ाना है और डायूरेटिक यानी पेशाब को बढ़ाने वाली मेडिसिन हमने लेनी है और अपना पानी का इंटेक कम करना है, क्योंकि अगर आप पानी का इंटेक कम करते हो और पानी निकालोगे ज़्यादा तो जो बॉडी में पानी इकट्ठा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा और आपको लंग्स में पानी भरने की दिक्कत कम होगी। अब लंग्स को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लंग्स जो होते हैं अगर वो फेल हो जाए तो पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मान लो अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर हमें किडनी भी फेल हो रही है, लंग्स भी फेल हो रहा है, डॉक्टर को एक दोनों में से एक को बचाना पड़ रहा है, तो डॉक्टर किसको बचाएगा, लंग्स को या फिर किडनी को? डॉक्टर लंग्स को बचाएगा, क्योंकि अगर किडनी पूरी भी खराब हो जाएगी ना तो भी हमारे पास डायलिसिस का रास्ता बचता है, बट अगर लंग्स खराब हो जाएंगे तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है और वेंटिलेटर से निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी वजह से आपको अपने लंग्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में पानी भर रहा है, रात को आपको नींद लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप लंग्स में पानी मत भरने दो, क्योंकि अगर आपने ऐसा होने दिया तो आपको दिक्कत बड़ी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि लंग्स की इंपॉर्टेंस समझ गए, अगर पानी भर रहा है तो इसे हमने किस तरह से मैनेज करना है वो आप समझ गए, इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आप समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझसे आकर मिल भी सकते हैं और मेरी डॉक्टर की टीम से भी आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे मैं चलने की आज्ञा चाहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।